my worst experience in SN. Why? रीज़न आपको जानने तो वीडियो को ज़रूर देखें, रियलिटी ऑफ सरोजनी नगर मार्केट. सो अगर आपको ऐसी सिचुएशंस से आप डील नहीं करना चाहते, सो यू शुड नेवर कम. सो येस, एज यू कैन सी, मैं पहुंच चुकी हूँ सरोजनी नगर की मार्केट. ये है एंट्रेंस गेट. आप यहाँ पे किसी भी रोड पे आएंगे तो आप यहाँ से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं. यहाँ पे ऑटोज अवेलेबल रहते हैं, खाने पीने का सामान से लेकर यहाँ पे स्टॉल्स आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है. अब मैं करूँगी मार्केट के अंदर एंट्री और देखेंगे मार्केट के अंदर, एक्सप्लोर करेंगे, लेट सी. बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मुझे लग रहा है कि अंदर बहुत ज़्यादा ही रश होने वाला है. सो लेट सी क्या होता है, होप सब कुछ अच्छा जाए. गाइस, क्या सच में यहाँ पे 50 से 60 रुपये में कपड़े मिलते हैं? हुज नो, लेट सी, खुद ही देख लो. तो दर्शकों, चिलचिलाती हुई गर्मी और भीड़ भाड़ वाली मार्केट सरोजनी नगर में आप सभी का स्वागत है. अरे ये क्या, इतनी सारी भीड़, OMG, 100-100 रुपये सेल, सीरियसली, और इतनी सारी भीड़, आई कैन डू दिस. भाई साहब, यहाँ पे भी वही है यार, ये 20-20 रुपये के कपड़े मिल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना कौन इसमें सर दर्द करेगा अपना. ओके, आगे देखते हैं. सो जैसे मैं आगे गई और मुझे यहाँ पे ये 250 रुपीज़ के ये ट्राउज़र्स मिल रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे. और ये नॉर्मल किसी भी मार्केट में 250 रुपीज़ के ही मिलते हैं, चाहे आप अपने घर के नियर बाय किसी मार्केट में जाएं. सो आई गेस कि अगर सरोजनी आपके नियर बाय पड़ता है घर से, तो ठीक है, फाइन, यू कैन बाय. बट मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे घर के पास वाली मार्केट में भी सेम स्टफ़ मिलता है एंड सेम प्राइस में, और बार्गेनिंग नहीं करने दे रहे थे वो. एंड ये शूज़ 350 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी 800 रुपीज़ की. सो आई गेस कि शॉप की शूज़ थी, तो इसमें कोई और बार्गेनिंग आप कर नहीं सकते, और ये लोग कम प्राइस भी नहीं करते. सो जो रोड साइड स्टफ़ आपको जो मिलता है, आप सिर्फ उसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं. या फिर जो एक सर्विस लेन के साइड में आपको शॉप्स मिलती है, जहाँ पे पुराने क्लॉथ्स और यू कैन से की स्पोर्ट्स का माल मिलता है, तो वहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं. सो गाइस, पटरी मार्केट पे भी बहुत सारे लोगों ने फिक्स्ड प्राइस लगा रखा था, तो उनको भी बार्गेनिंग करने से कोई कम नहीं कर रहा था. एंड रही बात जीन्स की, तो अगर आप कभी भी जीन्स वगैरह परचेस करते हैं SN से, या तो उसका कलर बहुत डिफेक्टिव होता है, वो बहुत कलर फेड होता है, और या तो फिर उसकी जिप ख़राब होती है. सो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी, बाकी चॉइस आपकी है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था. एंड पता है मज़े की बात क्या थी, कि सिर्फ गर्ल्स का नहीं, बॉयज़ का कलेक्शन भी होता है एंड वुमेंस का भी होता है. सो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगी, आई गेस फ़ोन कवर से लेके, इयररिंग से लेके, होम डेकोर का सारा सामान मिल जाएगा आपको, नो डाउट. बट जो लोगों ने अफवाह फैला रखी कि बहुत सस्ता एंड ऑल, सस्ता आपको वही मिलता है जिसमें आपको बहुत छाटना पड़ता है, लाइक आलू प्याज जैसे आप छाटते हैं. सो गाइज, जो वो कर सकता है उसी के लिए बेस्ट मार्केट है. एंड येस गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये हमेशा याद रखना, जब भी SN जाओगे, अगर आपका साइज XS और S और M है, M में भी आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा चूज़ करना साइज़, क्योंकि घर आके जब आप ट्राई करेंगे तो वो कहे समवेयर टाइट होगा, समवेयर लूज़ होगा. बट आपका अगर एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है तो ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मार्केट में मैंने ऑलमोस्ट देखा था कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ ही अवेलेबल था ज़्यादातर, और S और प्लस साइज़ और L साइज़ मैंने कहीं नहीं देखा कुछ भी, चाहे वो ड्रेस से रिलेटेड हो या फिर नॉर्मल टॉप वेयर. Can you listen the crowd? And yes guys, ये market बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा area में covered है, so आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा. एंड सेकेंड चीज़ कि मंडे को ये क्लोज रहता है, और बेस्ट टाइम टू शॉप है 10 to 1 PM. सो उस टाइम पे न्यू स्टफ आता है, और आपको मतलब अच्छा खासा प्राइस भी वो लोग दे देते, क्योंकि बोनी का टाइम होता है. एंड डियर बॉयज़, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, सो प्लीज़ अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फ्रेंड और अगर सिस्टर भी आपको बोले कि SN मेरे साथ चलो शॉपिंग करने, तो प्लीज़ कोई बहाना बना करके निकल जाना, क्योंकि मैंने एक कपल देखा था, उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था उससे, और वो लड़की बस पूरी मार्केट उसको घूमना था, उसको शॉपिंग करना था. वो लड़का कहता बेबी पैसे ले लो, प्लीज़ मॉल वगैरह चले जाओ, लेकिन यहाँ नहीं. और आई टोटली रिलेट कि यार वो कैसे परेशान हो रहा था. सो
ये बहुत फ़नी था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड ये देखे बच्चे छोटे छोटे क्यूट से इयररिंग बेच रहे थे और ये बहुत ही क्यूट स्टफ था। ये की चेन वाला आया था, बेल्ट वाला आपको यहाँ पे, थैले वाला, डोरमेट वाला आपके पास आएगा, मैडम डोरमेट, मैडम बेल्ट, मैडम ये, मैडम वो। फिर एक डायलॉग में आया था रिंकी पिंकी टिया मीना सेल 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 एंड ऑल। कुल मिला के दैट वॉज गुड बट वॉस्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ वेदर एंड रश, क्योंकि लॉकडाउन के बाद का ये मार्केट है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आप चाहोगे कि मैं ऐसी और मार्केट्स एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जेन्युइन एंड रियल वन, सो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और आप एसएन गए तो आपको क्या मेरे जैसा फील हुआ या फिर आपको बहुत अच्छा लगता है, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। गाइस एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पे आपने मेकअप प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो लिपस्टिक से लेके मस्कारा से लेके वॉट एवर आपको बहुत कम प्राइस में मिलता है और वो ब्रांडेड होता है बट वो ओरिजिनल नहीं होता है। एंड सेकंड चीज़, अगर 500 की चीज़ आपको 50 रुपीज़ में मिल रही है, सो अगर आप उसको फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पे कितना इफ़ेक्ट करेगा। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, आप कभी भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं खरीदें वहाँ से, बाकी आप जो मर्ज़ी खरीदें ऑल इज़ गुड। एंड सीरियसली पे करके काइंड ऑफ स्ट्रगल करके कपड़े खरीदना आई कैन डू, अगर आप कर सकते हो सो यू कैन कम। सो गाइज अभी के आई डोंट नो कितना टाइम हो रहा है, लेट मी चेक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अभी का हो रहा है टाइम 5:24 हो रहा है और आई डोंट नो क्या टेम्परेचर चल रहा है बट बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत बुरी हालत, बहुत भीड़। एज यू नो कि एसएन पूरा फुल ओपन हो चुका है, आई मीन सारे मार्केट्स ओपन हो चुके हैं आफ्टर लॉकडाउन, एंड उसी का रश हो सकता है आई गेस, बट आई कैन से कि बहुत ज़्यादा ही इशू था। और उसके बाद लाइक मैंने बहुत टाइम ऑलरेडी चैनल को क्रिएट करे हुए चुका है एंड आई नेवर पोस्टेड सरोजनी नगर व्लॉग। अभी मैं एसएन वाली रोड पे ही हूँ और अभी मैं आपको जो 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 मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ शेयर करके ही घर जाऊँगी। यहाँ से मैं बहुत रेडी होके एक्साइटेड होके, और अगर आपने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी होगी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड ये एक सरप्राइज़ था क्योंकि मैंने इससे पहले कोई भी एसएन व्लॉग नहीं अपलोड किया था अपने चैनल पर। एसएन सरोजनी सस्ता 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। 5-6 चीज़ों में आपको 5-6 उसमें आपको मिल जाएगा सस्ता, यू कैन से चीप रेट, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। एंड आई नो गाइज पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, बट मैं यहाँ पे 5th time आई हूँ एंड आई एम श्योर कि मैं आई विल नेवर कम अगेन। और इससे पहले भी जब मैं आई थी अपनी फ्रेंड के साथ में, उसको भी ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया था। और यू कैन से कि गाइज मैं वैसे भी बहुत कम जगह से शॉपिंग करती हूँ, आई मीन आई प्रेफर ऑनलाइन विंडो शॉपिंग। और सेकेंडली अगर मैं किसी भी शॉप पे जाऊँ उसके बाद मुझे एक ड्रेस पसंद आए तो आई बाय, आई शॉप लाइक दिस, आई लाइक इट, आई बाय इट, आई नेवर बार्गेनिंग। एंड सेकेंड चीज़ की उसमें से छांटो, चीज़ें चेक करो, बहुत हेडेक होता है। और हमारे घर के आसपास भी संडे मंडे एंड ट्यूजडे वेनसडे मार्केट्स लगती है, सो उसमें भी सेम स्टफ आता है जो एसएन में आता है, सरोजनी में आता है, बट आप वहाँ की शॉप्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं सकती। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, सो लाइक उनको लगेगा कि एक्सपीरियंस शेयर कर रही, पता नहीं क्या कर रही। आई वुड लाइक टू से अगर आपको वेदर प्रॉब्लम, वेदर इशू नहीं है और अगर आपको छाटना पसंद नहीं है तो आप मत आए, यू शुड नेवर कम, अदरवाइज यू विल रिग्रेट लाइक मी एट द सेम टाइम। दिस रियलिटी ऑफ सरोजनी नगर मार्केट। सो अगर आपको ऐसी सिचुएशंस से आप डील नहीं करना चाहते सो यू शुड नेवर कम, बट हाँ हमेशा लाइफ में एक दो बार चीज़ें करनी चाहिए ना जो नहीं किया कभी। आई प्रेफर विंडो और अदरवाइज घर के पास कोई शॉप है, अगर आपको वहाँ पे जाके पसंद कुछ आता है आप तुरंत परचेज करो, देन एग्जिट। बट बहुत हेडेक हो गया, बहुत हेडेक हो गया है मेरी, यू कैन सी मेरा फेस कितना गंदा हो गया। 5:27 हो रहे हैं एंड गाइज यू कैन सी यहाँ पे कितने सारे लोग अभी जा रहे हैं। एसएन लवर, टू मेनी पीपल्स
और आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट आई रियली डिसअपॉइंटेड टू मेक दिस व्लॉग. बट जैसे कैसे 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 आप लोग के लिए मैंने इतनी मेहनत की, देन यू कैन सी द एक्चुअल थिंग व्हाट्स हैपनिंग इन SN, ताकि सतर्क रहें, सावधान रहें एंड जब भी आप आए तो ऐसे सिचुएशंस का सामना कर सकें. तो कंक्लूजन ऑफ द व्लॉग ये है, दूर के ढोल सुहावने, कभी भी सुनी हुई बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, आप अपना एक्सपीरियंस खुद करें. इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे बेस्ट इस वीडियो में क्या लगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय.